हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार जांगी आप लोगों के लिए फिजिक्स के वीडियो लेक्चर लेके यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। अपना फिजिक्स का सबसे फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्थिर वैद्युतिकी, मतलब क्या है शब्द का? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। स्टैटिक मतलब स्थिर रेस्ट पोजीशन, और इलेक्ट्रो मतलब इसका विद्युत, और इस विद्युत शब्द से तात्पर्य अपना है आवेश। एक जाना पहचाना अनजाना सा नाम आवेश। फिजिक्स का वह चैप्टर या फिजिक्स की वह किताब जिसमें आवेश के बारे में जानेंगे, लेकिन आवेश उस चैप्टर में एंड तक स्थिर पोजीशन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो वो किताब, वो चैप्टर जिसके अंदर अपन स्थिर आवेशों के बारे में जानेंगे, मतलब जब आवेश विद्युत स्थिर पोजीशन में रहता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके क्या गुण होते हैं, और स्थिर आवेशों के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं प्रदर्शित की जाती है। तो इन सभी बातों का अध्ययन अपन जिस चैप्टर में करते हैं, जिस यूनिट में करेंगे, उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो आप सबसे पहला अपना पॉइंट डालिए स्थिर वैद्युतिकी, और इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन की भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों एवं स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ओके बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब तो अपन समझ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नाम अपने सामने आया है और इसकी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत रंग बिरंगी। नाम है उसका आवेश चार्ज। क्या है यह आवेश? कौन से मार्केट में, किस दुकान पर मिलता है यह आवेश? तो आपके नॉलेज के लिए मैं कुछ ऐसे एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं जिससे अपन लोग आसानी से आवेश की डेफिनेशन, आवेश के बारे में जान सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आपको कहा कि आप अपने हाथ में एक कांच की, प्लास्टिक की रोड लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन, और इस पेन को अब पेपर के छोटे छोटे जो पीस है, कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, उनके पास लेके जाइए। तो आप क्या देखते हो कि वो कागज के टुकड़े उस टेबल पे ही रखे हुए हैं, इस पेन से नहीं चिपक रहे, इस पेन की ओर नहीं आ रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खींच के रखने का। इस पेन का द्रव्यमान इतना ज्यादा नहीं है कि वो पृथ्वी से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा के उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच ले, इसलिए वो कागज के टुकड़े अभी फिलहाल वही है। लेकिन अब मैंने आपको कहा कि आप उस पेन को अपने सूखे बालों में या अपनी शर्ट, रेशम की है, ऊनी कपड़े की है, उससे रफ कीजिए, मतलब रगड़ी आप एक बार उसे, और रगड़ के और फिर उस उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप लेके जाइए। आप क्या देखते हो? वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को नेग्लेक्ट करके तुरंत उस पेन से चिपक जाते हैं।
तो बच्चा लोगों नोट करना, आपने क्या किया, पेन को रगड़ा और पेन को रगड़ करके और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए और आपने कहा और देखा कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े पेन से चिपक गए। एग्जाम्पल नंबर टू, आपका बर्थडे आता है, बर्थडे पार्टी बनाते हो और सजावट डेकोरेशन में आप लोग गुब्बारे लगाते हो दीवारों पे। तो गुब्बारे लगाने के आपके पास, आप उनको या तो टेप से चिपकाते हो या धागे से बांधते हो। एक फिजिक्स का छोटा सा फिनोमिना, आप उनको बिना टेप बिना धागे के भी दीवार से चिपका सकते हो। आप क्या करो, गुब्बारे को फुलाइए और फुला करके आप उसे अपने बालों से या उसी कपड़े से रफ कीजिए, रगड़िए और रगड़ करके और आप जैसे उस दीवार से टच करोगे वो अपने आप चिपक जाएगा। आप जब तक उसको रफ नहीं करके और बिना रफ किए भी दीवार से चिपकाना चाहोगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर नीचे की ओर खींच लेता है, लेकिन जैसे ही रफ करके उसको आप दीवार से चिपकाना चाहते हो और वो चिपक जाता है। तो यहां भी आपने उस गुब्बारे को, उस बैलून को रगड़ा। तीसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको, आप बोल्ट के अंदर नट कसते हो, नट बोल्ट जो ढेबरी होती है, इस प्रकार से आपका बोल्ट है ऊपर की ओर आप लोग उसके ऊपर ढेबरी कस रहे हो। सोचना, दिमाग लगाना, ढेबरी कस रहे हो तो उस बोल्ट और उस ढेबरी के बीच में भी घर्षण रफ की क्रिया हो रही है और अब आप उसको कस करके छोड़ो, क्या वो वापिस ऐसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या नीचे की ओर आता है? आपका आंसर है नहीं आता। क्यों? उस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्यों नीचे नहीं आ रहा, वो ढेबरी भी उस बोल्ट के क्यों चिपक गई? तो यहां जो ढेबरी है वो उस बोल्ट के साथ रफ हो रही है, बोल्ट के साथ रगड़ा गया ढेबरी। इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर, तीनों फिनोमिना के अंदर आपने एक चीज नोट की, क्या कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े जब पेन को रफ नहीं किया तो उसके नहीं चिपके, लेकिन जैसे ही पेन को रफ किया चिपक गए। गुब्बारे को यदि रफ नहीं करते तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आ रहा है, लेकिन रफ करने के बाद, रगड़ने के बाद नीचे नहीं गया, दीवार के चिपक गया। और जैसे ढेबरी बोल्ट के साथ रफ होती है तो वो ढेबरी बोल्ट से चिपक जाती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापिस ऐसे घूम के नीचे नहीं आती। तो आप क्या देख रहे हो कि ये मैटर अपने पास, गुब्बारा भी मैटर है, पेन भी मैटर है, ढेबरी भी मैटर है। ये जो मैटर है, इस मैटर को जब तक मैंने रफ नहीं किया उससे पहले इस मैटर के पास फोर्स लगाने का गुण नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इस मैटर को रफ किया तो रफ करते ही इस मैटर के पास अन्य मैटर के ऊपर फोर्स लगाने का गुण आ गया। नोट करना बेटा हो बात को, क्या यदि किसी मैटर को आप रफ कर रहे हो तो रफ करने के बाद उस मैटर के पास एक प्रॉपर्टीज, एक गुण आ जाता है, उस गुण के कारण वो किसी अन्य मैटर पर फोर्स लगाता है। बस इसी गुण का नाम अपने फिजिक्स में चार्ज आवेश रखा गया है। तो आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ पर वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल लगा सकता है। और आपने देखा ये बल, ये आवेश के कारण लगने वाला बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो आवेश की डेफिनेशन लिखवा, आवेश, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर बल लगा सकता है, अन्य पदार्थ पर बल लगा सकता है। अब यहां बेटा आपको आवेश की एक डेफिनेशन और बता रहा हूं, वो बस इसी से आधारित, इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसकी चर्चा अपन डिटेल से आगे जाके करेंगे। वो ये है,
आपने देखा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये किन के मध्य लग रहा है? ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है द्रव्यमान के मध्य। दो द्रव्यमान एक दूसरे पर आकर्षण का फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये द्रव्यमान किसका गुण है? मैटर का, पदार्थ का गुण है। मैटर पदार्थ का गुण है। और ये द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगाते हैं, उस बल के लिए ये द्रव्यमान एक फील्ड उत्पन्न करता है, जिसे आप लोग कहते हो गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसी प्रकार ये जो चार्ज है, आवेश है, ये भी एक पदार्थ का ही गुण है, क्योंकि आवेश पदार्थ पे ही आ सकता है, रेडिएशन विकिरणों के पास आवेश नहीं हुआ करता, पदार्थ पे ही आवेश आ सकता है। तो द्रव्यमान भी पदार्थ का गुण है, और एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पे बल लगाने के लिए अपना क्षेत्र बनाता है, और दूसरा द्रव्यमान उसके क्षेत्र को अनुभव करता है। तो जिस प्रकार से एक द्रव्यमान क्षेत्र बना के और दूसरे द्रव्यमान पे फोर्स लगाता है, जिसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हो और फोर्स को आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो, और दूसरा द्रव्यमान उस क्षेत्र को अनुभव कर सकता है, उसी प्रकार एक आवेशित पदार्थ दूसरे पदार्थ पे बल लगाने से पहले क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र को अपन लोग यहां विद्युत क्षेत्र, और एक क्षेत्र और भी उत्पन्न कर सकता है आवेश, जिसको अपन चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। और साथ में जैसे द्रव्यमान क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और उस क्षेत्र को अनुभव भी करता है, उसी प्रकार आवेश भी क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसे अनुभव भी कर सकता है। लेकिन उस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? तो वो दो है, एक तो है विद्युत क्षेत्र और एक है चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों की जानकारी, इन दोनों की एक्सप्लेन अपन आगे चल के बहुत बड़े विस्तार से करेंगे। अभी फिलहाल इनकी डेफिनेशन में, आवेश की दूसरी डेफिनेशन जो आपको लिखनी है, मेन डेफिनेशन जो, वो ये है कि आवेश, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, मूलभूत गुण है। हर पदार्थ के पास हो सकता है, जरूरी नहीं हो, लेकिन हो भी सकता है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वो पदार्थ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है अथवा उनको अनुभव भी कर सकता है। जैसे मैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक गुण है, उस गुण का नाम है द्रव्यमान। और पृथ्वी अपना गुरुत्वीय क्षेत्र दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास भी वही गुण है जिसका नाम है द्रव्यमान। उसी प्रकार आवेश दूसरे पदार्थ पर फोर्स लगा सकता है और दूसरे पदार्थ पर फोर्स लगाने के लिए एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। और आगे चल के अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि कब आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो फिलहाल आप लोग इसकी एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, आवेश या लगा के लिखो, आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा अथवा इन्हें अनुभव करता है, अथवा इन्हें अनुभव करता है। ये हो गई आवेश की डेफिनेशन, आवेश किसे कहते हैं। अब है इसके बाद में आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, बिल्कुल सिंपल सा। एक
प्लास्टिक की छड़ ली गई और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। एक और प्लास्टिक की छड़ ली गई उसको भी उसी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। और अपन जानते हैं कि ये जो रगड़ने वाला शब्द है इससे अपने को पता चल रहा है कि पदार्थ पर फोर्स लगाने का एक गुण आ जाता है, उस गुण का नाम आवेश। तो इसका मतलब प्लास्टिक की एक छड़ ली उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा तो प्लास्टिक की छड़ पे आवेश आ गया, दूसरी प्लास्टिक की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इस पर भी आवेश आ गया। दोनों पदार्थ सेम है और जिससे रगड़ा जा रहा है वो पदार्थ भी एक ही है, इसका मतलब दोनों पदार्थों पे आने वाला आवेश भी सेम होना चाहिए। इस आवेश का नाम अभी रख दिया प्लास्टिक वाला आवेश, क्योंकि अभी कोई नाम नहीं था अपने पास। और अब मैंने एक कांच की छड़ ली उसको उन्हीं कपड़े से या वही रेशम के कपड़े से किसी से भी धो लिया अपन ने कांच की छड़ और ये दूसरी, और ये प्लास्टिक की पहली छड़, ये दूसरी छड़। अपन ने अब इन दोनों कांच की छड़ों को उसी रेशम के कपड़े से रगड़ा। अपन जानते हैं रगड़ने से फोर्स आ रहा, एक आंतरिक गुण आ रहा है जिसके कारण वो फोर्स लगा रहा है, उस आंतरिक गुण का नाम है आवेश। मतलब इस कांच की छड़ पे भी आवेश है, इस दूसरी कांच की छड़ पे भी आवेश है। और अब ये दोनों सेम चीज है और एक ही चीज से रगड़ा जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों के पास सेम आवेश है। अब अपन ने यहां कह दिया ये प्लास्टिक वाला आवेश और यहां कह दिया ये कांच वाला आवेश, क्योंकि अभी कोई आवेश के नाम नहीं रखे गए। अब यहां एक प्रैक्टिकल किया गया, जब इन दोनों प्लास्टिक की छड़ों को रगड़ करके रेशम के कपड़े से रगड़ करके एक दूसरे के नजदीक लाए तो आपने क्या देखा, ये एक दूसरे से दूर भाग, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, दूर जाना चाहते। आपने अगला प्रैक्टिकल यहां किया, दोनों कांच की छड़ों के, दोनों कांच की छड़ों के पास आवेश है, इन दोनों कांच की छड़ों को जब नजदीक लाए तो आपने देखा ये भी दूर भागे एक दूसरे से। आपने तुरंत एक डिसीजन लिया कि प्लास्टिक वाला आवेश एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से दूर जाना चाहते। कांच वाला आवेश एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर जाना चाहते। मतलब शॉर्ट रूप में बोले मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे। अगला प्रैक्टिकल तीसरा ये किया गया कि अब की बार इस प्लास्टिक वाली छड़ को जिसके पास आवेश है और इस कांच वाली छड़ को जिसके पास अलग आवेश है, अपन ने माना है इसके पास प्लास्टिक वाला आवेश है, इसके पास कांच वाला आवेश है, क्योंकि दोनों मैटर अलग है। और जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आता हूं मैं तो आपने क्या देखा, ये प्लास्टिक की है ये कांच की है। आपने देखा ये प्लास्टिक वाला आवेश है ये कांच वाला आवेश है, दोनों को एक दूसरे के पास में लाके रखते हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े चले आते हैं, एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। आपने देखा जब असमान आवेश वाली वस्तुओं को अपन नजदीक लाते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं,
और जब समान आवेश वाले पदार्थों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो वे एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। अपन ने दो निष्कर्ष निकाले, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान में क्या आवेश। तो अगला सेंटेंस आप लिख लो, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। बस नॉलेज के लिए, वैसे तो ये आपको 10th लेवल पे भी पढ़ने को मिला होगा छोटी क्लासों में, लेकिन इसका ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है। अभी तक भी आवेश का नोमेनक्लेचर नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ, अभी तक बस ऐसे बोला जा रहा था एक तो प्लास्टिक वाला आवेश है एक कांच वाला आवेश। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि जब प्लास्टिक वाला आवेश प्लास्टिक वाले आवेश के पास आता है, पास आते एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। जब कांच वाले आवेश के पास आता है, पास आते एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। लेकिन जब प्लास्टिक वाला आवेश कांच वाले आवेश के पास आता है, एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं। तो अपन ने निष्कर्ष में ये दो सेंटेंस लिखे। अब आवेशों का नामकरण बाकी है। आवेशों का नामकरण अमेरिकन वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने कहा आवेश दो प्रकार के है, एक तो है प्लास्टिक वाला फिलहाल अभी तो, एक कांच वाला। इनका नाम इसी ने रखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, वैसे आपने सुना भी है जानते भी हो, लेकिन आज ये जानेंगे ये नाम क्यों पड़े। एक का नाम है धनावेश, एक का नाम है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के हैं, एक का नाम है धनावेश, एक का नाम है ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछा गया कि दुनिया में यही दो नाम मिले आपको आवेश के रखने के लिए, और कोई नाम नहीं थे, क्यों ना आप अपना ही नाम रख देते, एक का नाम फैराडे आवेश रख लेते, एक का नाम फ्रैंकलिन आवेश रख लेते, ये क्यों नहीं रखा, ये गणित का प्लस माइनस ही क्यों पसंद आया। इसके पीछे एक लॉजिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, वो क्या था वो सुनो। आवेश के प्रकार, अगली हेडिंग आप लिख लो आवेश के प्रकार, और इसको समझते हैं कि क्यों आवेश दो प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव बताए गए। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो आपने कहा आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और एक है ऋणावेश, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई नहीं पूछेगा वैसे आपसे कि ये नामकरण ये क्यों किए, लेकिन फिर भी जैन में एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये प्लस और माइनस वाले नाम ही क्यों रखे हुए। तो एक छोटी सा उसका जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया इनका आंसर वो सुनना। बेंजामिन ने क्या कहा कि आप वही कांच और प्लास्टिक वही रेशम वही चीजें आप दोबारा लीजिए, ये प्लास्टिक की छड़ और इस प्लास्टिक की छड़ को आपने रेशम के सिल्क से रगड़ा, और बार बार कह रहे हैं कि भाई रगड़ने से फोर्स लगाने का गुण आता है, बस उसी गुण का नाम आवेश है, तो रगड़ने से आवेश आता है। आपने आपने जानना था कि आवेश आया नहीं आया, आप तुरंत टेबल पे रखे हुए छोटे छोटे कागज के पीस के पास लेके गए तो वो छोटे छोटे कागज के पीस इसके चिपक गए और आपने कहा हाँ जी ये आवेश है। आपने दूसरी वही प्लास्टिक की छड़ ली और उसी रेशम के कपड़े से रगड़ा और वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, आवेश आ गया। पहचानने का तरीका कागज के छोटे छोटे टुकड़े से चिपक गए, ठीक है जी। अब अगला प्रैक्टिकल अपने को ये प्रूफ करना है क्यों धनावेश और क्यों ऋणावेश नाम रखे गए। अब एक ग्लास की छड़ उसी सिल्क के कपड़े से रगड़ना है आप लोगों को, और
उन्हीं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाना है आपको, और ये चिपक गई। वही दूसरी ग्लास की छड़ उसी सिल्क के कपड़े से रगड़ना है और उन्हीं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे। तो वो ही छोटे छोटे कागज के टुकड़े इससे चिपक गए। अब आपको जैसे दुनिया का ये नियम भी है कि इसके पास कुछ है, इसके पास भी कुछ है, दोनों को मिलाया तो मात्रा बढ़ गई। जैसे किसी रस्सी को एक व्यक्ति खींच रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब उसी रस्सी को दूसरा व्यक्ति खींचता है 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके सेम डायरेक्शन में। यदि अब उसी रस्सी को खींचने के लिए दोनों व्यक्ति एक साथ लगा दिए जाए तो आपका आंसर होगा उस रस्सी पे लगने वाला बल ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि दो चीज मिलाने से मात्रा बढ़ती है। आपने एक हाइड्रोजन ली, एक ऑक्सीजन ली, दोनों को मिलाया, अपने को पता है दोनों को मिलने से एक छोटा सा जल का अणु आपको मिलेगा। यहां क्या देखा गया कि इस प्लास्टिक की छड़ को सिल्क से रगड़ा, इसके पास चार्ज है। दूसरी प्लास्टिक की छड़ को सिल्क से रगड़ा, इसके पास भी चार्ज है। अब क्या किया गया, इन दोनों प्लास्टिक की छड़ों को रगड़ने के बाद एक साथ कागज के टुकड़ों के पास लेके गए। आपने क्या देखा, ये कागज के टुकड़े पहले की तुलना में, पहले का मतलब जब एक एक प्लास्टिक की छड़ को लेके गए थे उसकी तुलना में अब ये कागज के टुकड़े तेजी से आए और वो भी ज्यादा मात्रा में आए। आपने कहा सर ये अकेला बल लगा रहा था, ये भी अकेला बल लगा रहा था, दोनों मिलकर लगा रहे इसलिए बढ़ गया। बात तो यही है। अब इसमें देखना, यहां कांच की छड़ और अगली कांच की छड़ दोनों को एक साथ मिलाकर के उन्हीं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप लेके गए और आपने क्या देखा, पहले की तुलना में यहां भी तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में कागज के टुकड़े चिपक गए। क्यों, क्योंकि यहां ये अकेला फोर्स लगा रहा था, यहां ये अकेला फोर्स लगा रहा था, जब दोनों मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं तो मात्रा बढ़ गई, फोर्स की मात्रा बढ़ गई, जिससे कागज तेजी से आए ज्यादा मात्रा में। यहां तक की बात तो कुछ समझने लायक है, लेकिन जैसे ही उस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस प्लास्टिक वाली छड़, उस प्लास्टिक वाले आवेश को इस कांच वाली छड़, कांच वाली आवेश से मिलाया, मिलाया और अब उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अब एक भी कागज का टुकड़ा नहीं आया। पहले मिलाने से पहले इस प्लास्टिक की छड़ के पास भी कागज के टुकड़ों को खींचने वाला फोर्स मतलब आवेश था, कांच की छड़ के पास भी कागज के टुकड़ों को खींचने वाला बल मतलब आवेश था। दोनों को मिलाया तो अब ये खींचने वाला बल जीरो हो गया, एक भी कागज का टुकड़ा इनके पास नहीं आया। बेंजामिन ने दुनिया के सामने क्वेश्चन रखा कि हमें ऐसा मेथड बताओ कि इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ है, दोनों को मिलाए तो बढ़ जाए और यदि दोनों को मिलाए तो जीरो हो जाए। तो बेंजामिन ने कहा कि दुनिया में किसी ब्रांच है मैथमेटिक्स जिसमें यदि आप +2 + 2 को बढ़ाते हो तो जुड़ जाता है, लेकिन यदि आप असमान को रखते हो तो उस कंडीशन में मामला सब कुछ जीरो हो जाता है। तो यहां देखा अपन ने, समान प्लास्टिक वाला आवेश, प्लास्टिक वाला आवेश, समान आवेशों को मैंने जोड़ा तो जुड़ गए,
कांच वाला आवेश समान आवेशों को जोड़ा तो जुड़ गए, इसीलिए लगने वाले फोर्स की मात्रा बढ़ी, कागज के टुकड़ों की संख्या बढ़ी, कागज के टुकड़े तेजी से आए। लेकिन जैसे ही मैंने इन असमान आवेशों को मिलाया तो फोर्स जीरो और कागज के टुकड़ों की संख्या भी जीरो। तो इसीलिए बेंजामिन ने कहा कि ये नाम सबसे अच्छा रहेगा, जब समान को जोड़ते तो मैथ्स के अकॉर्डिंग बढ़ता है मान, लेकिन जब असमान को जोड़ते तो मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जीरो। असमान का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि एक वाला एक आवेश का नाम तो रख दो आप धनावेश, एक आवेश का नाम आप रख दीजिए ऋणावेश। तो ये इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश नाम रखे गए। तो आप लिख लीजिए ये आवेश के प्रकार बिल्कुल सिंपल है, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन बच्चा लोगों, आप लोगों से ये हिस्ट्री ये कोई नहीं पूछेगा बोर्ड के अंदर, अभी तक ये बस छोटी सी डेफिनेशन जो आवेश की डेफिनेशन है ये आपके काम की है, ये जो थोड़ी समझा ये वो समझने के आधार के लिए है, ना कि बोर्ड के लिए, आप लोगों के लिए। तो ये लिख लीजिए। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि चलो ये चीज तो समझ गए आवेश क्या है, जब आप एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हो तो रगड़ने से उसके पास बल लगाने वाला एक गुण आ जाता है, उस गुण का नाम आपने आवेश रखा है। लेकिन ये रगड़ने से इसे अंदर होता क्या है पदार्थ के अंदर है? कि ये आवेश आ जाता है, ये खींचने वाला ये जो बल लगाने वाला गुण है ये इस पदार्थ में कहां छिपा है, ये कहां से निकल के आता है, इसको खोजना अपने को। मतलब ये आवेश क्या, ये जो कंसेप्ट है इसकी अवधारणा इसको समझना है कि किसी पदार्थ को चार्ज करने का ये काम कौन कर रहा है, पदार्थ के अंदर कौन बैठा है ऐसा जो ये फोर्स लगाने का काम करता है रगड़ने के बाद, इस चीज को अपने को समझना है। तो अगला अपना टॉपिक है आवेश की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। अपन जान चुके हैं दो पदार्थों को आपस में रगड़ोगे तो रगड़ने से दोनों पदार्थों पर एक गुण आ जाता है दोनों पदार्थों में बल लगाने का, जिसे आवेश कह रहे हो। लेकिन समझना यह है कि यह अंदर से कैसे आता है, क्या होता है अंदर पदार्थ के अंदर। तो अपन ने एक पदार्थ लिया, उसको रगड़ा, आगे आवेश का गुण, अब देखना उसके अंदर चले अपन, अपने उसके बहुत सारे टुकड़े किए, उन टुकड़ों में भी आवेश नहीं था, ये गुण टुकड़ों के पास नहीं था, उन टुकड़ों को अणुओं में बदला, उस अणु के पास भी ये गुण नहीं था, ये बल लगाने वाला। अपन उन अणुओं से परमाणुओं में गए, उस परमाणु के पास भी ये गुण नहीं था बल लगाने का। लेकिन जैसे ही परमाणु के अंदर अपन ने झांक के देखा तो दो छोटे छोटे पार्टिकल बैठे थे, एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, सब जानते इसको भली बात ही, और ये चक्कर लगाता रहता है परमाणु के अंदर, जिसके चारों ओर लगाता उसका नाम नाभिक, और उस नाभिक में आप अच्छी तरह जानते हो दो पार्टिकल रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम था, ये जो बल लगाने का काम था, उस पदार्थ का, उसके टुकड़ों का, उसके अणुओं का, उसके परमाणुओं का नहीं, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का था। मतलब ये है वो आवेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और सब जानते हैं इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इस प्रोटॉन का चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, सब जानते हो आप लोग, 1.6 × 10⁻¹⁹, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये कूलम्ब चार्ज का यूनिट मात्रक होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऋणावेश का काम करता है, और ये प्रोटॉन इसके अंदर धनावेश का काम करता है, और ये जो तीसरा और आपको नजर आ रहा है एन, एन ये न्यूट्रॉन है, ना इसके पास धनावेश है ना इसके पास ऋणावेश है, न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है।
अब समझना ये है कि किसी पदार्थ को रगड़ने से आवेश कैसे आता है। तो सबसे पहले आप ये सुनो, रगड़ने से पहले उसके पास आवेश का गुण नहीं था, उसके पास कोई आवेश नहीं था, मतलब वो उदासीन था। क्यों? इसको समझना है कि हर पदार्थ अणुओं से, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो अपन पदार्थ में वही होता है जो परमाणु के अंदर जो क्रिया होती है। तो अपन डायरेक्ट परमाणु को लेके चलते हैं, परमाणु को समझते हैं। अपन ने दो अलग अलग पदार्थों के दो परमाणु लिए, और याद रखना जब तक पदार्थ न्यूट्रल है, उदासीन अवस्था में है, तब तक उस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, उस पदार्थ के परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, कहने का मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है परमाणु के पास। जब तक ये सेम है तब तक उस पदार्थ को, उस परमाणु को न्यूट्रल उदासीन कहा जाता है। मैंने दो पदार्थ के दो परमाणु लिए, क्योंकि जो परमाणु के अंदर होगा वही पदार्थ प्रदर्शित करता है। तो एक परमाणु ये ले लिया, माना इसके परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन और नाभिक में 7 प्रोटॉन है, उदासीन अवस्था में है, ये भी उदासीन अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या मैंने सेम ले ली, 9 और 9। अब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, आने जाने के लिए ये बिल्कुल फ्री रहते हैं। अब आप लोगों ने क्या किया था, दो पदार्थ को रफ किया था, और रफ करने के बाद चार्ज आ रहा है, तो उस रफ करने के कारण हो क्या रहा है वो आपको समझना है यहां पे। तो आपने रफ किया मतलब घर्षण किया। अब आपको पता होना चाहिए कि घर्षण के दौरान होता क्या है। तो ये अपने हाथ का ही काम है, बिल्कुल लीजिए, आप अपने हाथ को दोनों को यूं रफ कीजिए, घर्षित कीजिए, आपको क्या महसूस होगा, अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रफ करने पर हीट एनर्जी उत्पन्न हो रही है, एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अपन सब जानते हैं कि यहां इन दोनों को रफ करने से हीट एनर्जी उत्पन्न हो रही है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उष्मीय ऊर्जा। एक बात आपको पता होगा, यह ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन्स को यदि बाहर से, इलेक्ट्रॉन्स को यदि बाहर से अतिरिक्त किसी भी तरीके से एनर्जी मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में जिस बंध से बंधा रहता है, उस बंध को तोड़ के वो दूसरे परमाणु, दूसरे पदार्थ पर जा सकता है। बस इलेक्ट्रॉन सारे नहीं जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा जो दुर्बल बंध से, कमजोर बंध से बंधा हो, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आपने दो पदार्थ लिए, दोनों पदार्थों को आपने रख दिया, घर्षण हुआ, घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, और इस एनर्जी को इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन या इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना बंध तोड़ के, अपना परमाणु, अपना पदार्थ छोड़ के दूसरे पे चला जाएगा। लेकिन किस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन जाएगा, याद रखना, उस पदार्थ, उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ के जाएगा जो कमजोर बंध से बंधा रहता है, क्योंकि जो कमजोर बंध है उसको आसानी से एनर्जी से तोड़ सकते हो आप लोग, कम एनर्जी से। तो आपने देखा कि रफ करने से पहले इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, अतः टोटल चार्ज कितना, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू और प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू सेम होता है, अतः टोटल चार्ज 0। इसी प्रकार इसमें रफ करने से पहले जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज उतना ही प्रोटॉन चार्ज, और इसीलिए प्रारंभ में कुल चार्ज कितना, 0। लेकिन आपने जब रख किया, इनको रगड़ा, रगड़ने से उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से किसी एक परमाणु, एक पदार्थ का ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पे चला गया। अपन ने उदाहरण के तौर पे मान लिया, माना यहां से एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया। मान सकते हैं, तो उदाहरण अपने को समझना है, माना यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गया, तो अब आपने क्या देखा, यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सात नहीं, कितने हो गए, आठ इलेक्ट्रॉन। और यहां कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, यहां इलेक्ट्रॉन रह गए आठ। अब मैंने आपसे पूछा कि अब इनका आप लोग योग कीजिए, अब टोटल आप इनका याद करो, तो आपने कहा यहां रगड़ने के बाद आठ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो उतने ही, सात प्रोटॉन, और आपने जैसे ही टोटल किया तो आपको मिला एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। आपने यहां योग किया तो आठ इलेक्ट्रॉन और नौ प्रोटॉन, और आपने जैसे ही इनको जोड़ा तो आपको टोटल मिला एक प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा। अब आपने कहा इसके पास ज्यादा मात्रा है ऋणावेश की, अतः इसको मैं कहूंगा ऋणावेशित, और इसके पास ज्यादा मात्रा होगी धनावेश पॉजिटिव चार्ज की, अतः इसको मैं कहूंगा धनावेश। लेकिन आपने एक चीज कहा कि आपने भाई रफ किया, रफ करने से पहले नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज टोटल जीरो, इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव टोटल जीरो, रफ करने के बाद उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा से किसी भी एक पदार्थ एक परमाणु के ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे पर स्थानांतरित हो गए, जिससे एक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई जिससे वो नेगेटिव, और एक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई जिससे वो पॉजिटिव हो गया। तो ये है इलेक्ट्रॉन को पदार्थ को आवेशित करने की अवधारणा। लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, दोनों पदार्थों को आवेशित करने का काम इन तीनों में से किसने किया? आपने कहा इन तीनों में से केवल इलेक्ट्रॉन ने किया। इलेक्ट्रॉन एक को ऋणावेशित कर रहा है, एक को धनावेशित कर रहा है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आवेश तो किसके पास भी है, यदि ये भी आ जाता चला जाता तो एक पर पॉजिटिव कम एक पर पॉजिटिव ज्यादा होने से भी आवेश बन सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं आया गया, यही क्यों चला? तो इसके दो आंसर है। सबसे पहले तो ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से ये प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल से बंधा रहता है। अब ये नाभिकीय बल क्या है, इसकी चर्चा अपन आगे एक अपना नाभिक का चैप्टर आएगा उसमें करेंगे, ठीक है? नाभिकीय बल से बंधा रहता है इसलिए एक तो, और जबकि इसके ऊपर जो फोर्स है वो कम होता है, इसकी तुलना में बहुत कम होता है वो फोर्स, एक तो ये कारण है, इसलिए इसका जो बंध है वो आसानी से टूट सकता है। दूसरा कारण, आप अच्छी तरह से जानते हो कि हल्की वस्तु को कम एनर्जी देके आसानी से आप उसको गति करवा सकते एक जगह से दूसरी जगह, और यदि भारी वस्तु हो उसको कम एनर्जी से आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। यहां हल्की और भारी से मतलब क्या है, यहां हल्की और भारी से मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनका चार्ज जरूर सेम है, समान है, लेकिन इनका द्रव्यमान समान नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.8 × 10⁻³⁻³ केजी और प्रोटॉन का द्रव्यमान 8.6 × 10⁻²⁷ केजी, ज्यादा किसका, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है, यदि कम ही होता तब तो पता नहीं चल जाती बात कि प्रोटॉन दिया जाता, लेकिन कम नहीं होता, ये तो बहुत ही कम होता है, और कितना कम होता है वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा भारी होता है, 1837 गुना बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये प्रोटॉन कभी भी अपनी जगह छोड़ के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो इस आवेश की अवधारणा में एक बहुत बड़ी बात याद रखनी है आप लोगों को कि पदार्थ कोई भी हो, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, हर पदार्थ को आवेशित करने की जिम्मेवारी प्रकृति ने केवल और केवल किसको दी है, इलेक्ट्रॉन को, और किसी को नहीं दी है।
इलेक्ट्रॉन ही धनावेशित कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ही ऋणावेशित कर सकता है। और याद रखना, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो धनावेशित कहलाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, वो ऋणावेशित कहलाएगा। थैंक्स।